नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बालू को लेकर। बिहार में बालू खनन के मामले आए दिन मीडिया की सुर्खियां बनती रही। बालू खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला भी खूब मीडिया की सुर्खियां बनता है। सरकार से चोरी छिपे बालू बिक्री के मामले भी मीडिया की सुर्खियां बनती है। बिहार में इस तरह की खबरें मीडिया की सुर्खियां खूब बन रही है। ऐसे में एक बार फिर से बालू खनन को लेकर एक अपडेट हिंदुस्तान अखबार की ऑनलाइन पोर्टल में सामने आया है, जिसमें यह बताया गया है कि बिहार में अब एक बार फिर से नए सिरे से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। इसका मतलब हुआ कि अब एक बार फिर से इसका टेंडर होगा। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए विभाग के संयुक्त सचिव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी जिलों में तैयार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बालू घाटों की बंदोबस्ती की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि 1 जून के बाद से बालू घाटों से बालू का खनन प्रतिबंध पर लगा दिया गया है, यानी कि उस पर रोक लगा दिया गया है। यह भी कहा है कि इस दौरान ना तो बालू का खनन किया जा सकता है और ना ही उसकी बिक्री हो सकती है। हालांकि दैनिक जागरण में छपी एक खबर के अनुसार यह बताया गया है कि बालू खनन को लेकर अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें 1 जून में बालू खनन को लेकर सरकार की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट से जो इजाज़त मांगने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि बरसात आने से पहले बालू का स्टॉक जमा करने पैच बालू का स्टॉक जमा करने और आगे परेशानी ना हो, यानी कि बालू का स्टॉक जो है अगले के 1 महीने के लिए जमा करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जारी निर्माण कार्य में भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर बालू खनन पर रोक लगता है तो राज्य सरकार को राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालू खनन पर रोक लगाया गया है। बता दें कि ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से जारी आपत्ति के बाद से बालू घाटों की निविदा पर रोक लगाई गई है। हालांकि इस अखबार में जारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ बालू खनन करने की इजाजत मिलने की भी बात जो है सामने आई है। अगर हम हिंदुस्तान अखबार की इसी खबर में एक दूसरी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो उसमें संयुक्त सचिव की ओर से यह भी कहा गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों और बिचौलियों द्वारा बालू घाटों के संचालन की अवधि विस्तार की खबरें फैलाई जा रही है, जो कि भ्रामक है। उन्होंने कहा है कि किसी भी बालू घाटों पर बालू खनन नहीं हो सकता। आपको बता दें कि प्रदेश में इन दिनों 16 जिलों में बालू खनन का कार्य जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 31 मई तक पुरानी व्यवस्था के तहत बालू खनन कर सकती थी, जो कि अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अब जो नई रिपोर्ट सामने आएगी उसके आधार पर बंदोबस्ती की जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में नवादा, किशनगंज, वैशाली, बांका, मधेपुरा, बेतिया, बक्सर, अरवल, गया, पटना, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, रोहतास, जमुई और लखीसराय में बालू घाटों पर खनन का काम किया जा रहा था। हिंदुस्तान अखबार की माने तो 1 जून के बाद से बिहार में बालू खनन पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 1 जुलाई तक बालू खनन होता था, यानी कि इससे पहले जो है 1 जुलाई तक बालू खनन होता रहा है, उसके बाद खनन पर रोक लगाया जाता था। इस दौरान प्रदेश में मॉनसून एक्टिव होता है, जिसके कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे कि बालू खनन नहीं किया जा सकता। यानी कि 1 जुलाई के बाद जो बालू खनन की प्रक्रिया जो है बंद की जाती थी, उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें ये तर्क दिया जा रहा है कि इस दौरान जो है मॉनसून जो है 1 जुलाई के बाद से एक्टिव होगा, उस दौरान जो है पानी का जलस्तर जब नदियों में बढ़ जाएगा तब जो है खनन को रोका जाए। इस तरह की दलीलें जो है मीडिया में दी जा रही है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि नदियों के जीव जंतुओं के लिए भी अनुकूल समय होता है। साथ ही साथ बालू खनन के दौरान जितनी बालू निकाली जाती है वह एक बार फिर से जमा हो सके, ये पूरे बरसात के महीने की प्रक्रिया है। ऐसे में अब देखना है कि बालू खनन को लेकर क्या होता है, क्योंकि इस समय दो तरह की खबरें जो है मीडिया की सुर्खियां बन रही है। हालांकि ये बात भी सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला है। ऐसे में ये पूरा जो जून का महीना है इस दौरान जिस तरह से बालू खनन पे रोक लगा है, तो ऐसे में निर्माण कार्य में भी जो है समस्या सामने आ सकती है, क्योंकि बालू जब नहीं होगा तो निर्माण कार्य में दिक्कत तो आएगी ही आएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।